सर ने कल छुट्टी दी है। तुम्हें तो लग रहा है 6-7 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था पहले आ जाना। मैं लेट हो गया क्या आने में? इतना मुंह चाटता जा रहा है। चल बेटा मम्मा को लेके चलेंगे आप। अब मैं इसको उठाऊंगी तुमको उठाऊं? मेरे जूते भी टूट गए। जूते टूट गए? ऐसा क्या वर्कआउट किया है भाई? वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और टाइम का नहीं, टाइम पे नहीं जाते हम लोग। क्यों टाइम पे क्यों नहीं जाते? टाइम पे नहीं जाएंगे बेबी। टाइम से क्या लेना? ये जल गई है लाइटें और मैं एकदम तैयार हूँ। किस चीज के लिए? मतलब मैं आपको वो दिखाने के लिए तैयार हूँ जो मैं कल लेके आई हूँ। देखोगे बेबी? दिखाइए। कल रात से लटकाया हुआ तुमने, अब दिखा रही तब दिखा रही हूँ। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मैंने रात में उठ के टी शर्ट देख लिया तो? नहीं देखी, अंदर को है। कैसे पता चला तुम्हें? अंदर को है वो। अच्छा तो मैं तुम्हें दिखाऊं? दिखाओ। पहले तुम्हारी टी शर्ट दिखा दूं? ओह तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये वर्कआउट के लिए है? तुम्हारे पास है नहीं ना ये कलर? हाँ ये वाला तो, लेकिन ये तो मतलब स्ट्रेचेबल नहीं लग रही। नहीं स्ट्रेचेबल है, तो डिजाइन भी देखो ये वाला। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है ना? मीडियम तुमने कहा था, मीडियम में लिया। ये क्या है, अपना क्यों नहीं दिखा रही हो? दूसरी ये। ओह ये मीडियम है। हाँ, तो ये सब बड़ी साइज क्यों लग रही है? बड़ी नहीं है बेबी, सही है। पहन के दिखाओ ना। पहन के दिखाऊं? हाँ पहन के दिखाओ। अभी? हाँ अभी। ये वाला पहन के दिखाओ मुझे, तब ये सब पता रहेगा। ये दिखाओ पहन के। कैमरा ऑन रहेगा? हाँ चलो कैमरा में चिट्टी भी रखती हूँ। चिट्टी खा रही है अपनी याकी। चलो बेबी याकी खा रहा है। याकी याकी इट्स माय याकी। अगर ये कल याकी होती, ये कल अगर इसके पास याकी होती तो मेरे एयरपोर्ट्स बच जाते। याकी खाती है, मेरे एयरपोर्ट छोड़ देती है। इसको एयरपोर्ट देख के लगा याकी है। ये देखो ये अभी तक सो रही हैं, ये सारी की सारी सो रही हैं। वहाँ वो भी वहाँ पे। ओहो तुम आ गए थे फ्रेम में। अब बताओ बेबी कैसी लग रही है? अच्छी है, स्मार्ट है। वर्कआउट के अलावा भी पहन सकते हैं इसको। हाँ वहाँ यहाँ वाले में देखो। हाँ अदरवाइज भी पहन सकते हो, लेकिन ये है वर्कआउट की है। कैसी लगी? बिल्कुल फिट है बेबी तुम्हें? वेरी नाइस। है मानते हो कि नहीं? अब मुझे, मैं तो बहुत पहले से मानता हूँ। अब मैं दिखाऊंगी मेरी चीजें। ये तो हो गई तुम्हारी दो टी शर्ट तो, मुझे कंफर्म नहीं था ना कि तुम्हें पसंद आएंगी कि नहीं। तो साइज तो चलो फिट तो वो भी ऐसी आएगी फिर, अगर सेम साइज है तो। मैंने लिया एक ए, मतलब इसका डिफरेंट स्टाइल है। वो स्टाइल क्या जान सकता हूँ? ये तो बेल बॉटम लग रही है। हाँ मतलब इसका स्टाइल ही वही है। तो जो वो लड़की थी ना उसने खुद ही पहना हुआ था, उसने कहा मैम मैं आपको ये जरूर रेकमेंड करूंगी कि आप ये लो। अच्छा एक मैंने लिया ये टी शर्ट रेड कलर। और ये तुम आज ही पहन डालोगी ना? जो तुम जिस दिन लेती हो उसी दिन पहन लेती हो ना? ये मैंने लिया है, इसका स्टाइल है। ये झोला है सब्जी लाने के लिए? नहीं नहीं ये देखो, ये तो उल्टी है। नहीं नहीं ये देखो, ये उल्टी नहीं है। उल्टी है क्या? हाँ और लुल्टी नहीं होता उल्टी हो। उल्टी नहीं नहीं सीधी है। अरे हाँ ये सीधी है। कैसी लगी बेबी? उल्टी लगी मुझे तो। हाँ अच्छा उल्टी है, चलो ये सीधी हो गई। हाँ ये हुई ना सीधी। कैसी लगी? अब सीधी लग रही है और अच्छी लग रही है। और बेबी मैंने लिया एक ये ब्लू कलर का। ये ब्लू है? ये तो ब्लैक लग रहा है भाई। नहीं ये ब्लू है। हाँ डार्क ब्लू है। वर्कआउट करने के लिए कपड़े भी चाहिए होते हैं ना? लेकिन वर्कआउट भी तो करना होता है उसके बाद। ये मैंने लिया ये वाली ग्रीन। बेबी ये तुम्हारे पास हजारों है यार। नहीं है बेबी। बेबी ये तो तुम्हारे पास ट्रैक पैंट्स कितनी सारी हैं? फिर ऐसा लग रहा है कि ऐसी चार चीज और देख चुका हूँ ऑलरेडी मैं घर में। ये मेरी कुछ पर्सनल चीजें हैं जो लड़कियों को दिखा सकती हूँ साइड से। बस यही लिया मैंने, ज्यादा नहीं खर्चा किया। मैंने कहा मैं ज्यादा नहीं खर्चूंगी, थोड़ा सा ही लिया तो हमारे कम उसमें ज्यादा कपड़े आ गए। अच्छा। और बहुत सस्ता सा सेल लगी हुई थी बेबी, 200-200 रुपए की टी शर्ट है। झूठ। अरे 299 की टी शर्ट है। और मेरी कितने की है? तुम्हारी शायद 500 समथिंग की है। ज्यादा महंगी नहीं थी इतना मैं जान रही हूँ। अरे मेरा पजामा कहाँ है? बेबी पजामा छोड़ो पहले ये देखो। ओ दूर 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 दूर। क्या कर रही हो? पकड़ में आ गया बेबी। कहाँ से पकड़ में आया? बस ये लोग भी ना ये मेरे ही उस पे आते हैं। क्यों बे क्यों आया मेरे पास? अरे मुँह पे मार देगा, मुँह पे मार देगा। मुझे ऐसे कैसे मार देगा? छुंचा को दिखाओ, छुंचा को दिखाओ। नहीं बेबी वो छुंचे के लिए नहीं है, वो डर जाएगा। बर्ड बर्ड है ना, पता नहीं कहाँ से घुस आया घर में। उसको पानी पिला दो, पानी पिला के उड़ा दो। अमिता जरा बेटा पानी दे। तेरे को हम मेहमान नवाजी तो पूरी करते हैं, चुंचा बदतमीजी कोई नहीं करेगा। नहीं बेटा मेहमान नवाजी के बिना नहीं भेजते हम। आओ पानी पियेंगे। नाक में जा रहा है उसकी, ज्यादा नीचे कर दिया। जाने दो अभी जाएगा ना, फड़फड़ाएगा फिर। ये लो। नहीं पी रहा, डरा हुआ है, छोड़ दो उसको। उसकी देख लो ना क्यूरियोसिटी, ये देखो कह रही है मेरे को दे। पीरा 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 बस उड़ा। कहीं चोट वोट तो नहीं लगी हुई? नहीं नहीं खाली मेरे को लग रहा फंस गया था। बस मेरे को चेक मारने दो बड़े, दिखा चेक मारने दे आंटी को। खबरदार बदतमीजी की, तो मैं तुम लोगों से डरती नहीं हूँ। हो सकता है अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं।
आ मैं तेरे को ठीक तरह से उड़ाऊंगी, तेरे को कोई चोट नहीं है। इसका पंजा कहाँ है? दूसरा है नीचे, नीचे है ना, कहाँ है? नीचे छुपाया हुआ उसने, नहीं दिख रहा। अच्छा ये चुंचा देखो कैसे दिख रही है, इनको इसके हाथ से नहीं जान डाना जाना, इसको उड़ा के आएंगे। डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है, बाहर वाली खिड़की से उड़ाना पड़ेगा। आप आंटी के घर पे आए हो, बिल्कुल डरना नहीं है। इधर से उड़ाएंगे ना? नहीं नहीं, इधर से कहाँ, उधर बाहर वाली में। चेरी को पता नहीं चला क्या? नहीं नहीं, उसकी आंखों पे बाल है इसलिए देख नहीं। वो तो खा जाए, वो तो इसको नंगा करके भेजेगी। हो गया देखो कितना दूर उड़ के गया पानी पी के। हो सकता है बेबी घर में आया हो कुछ बोलने के लिए कि आपके घर पे मेरा पानी रखा हुआ है। आज होता है ना शरबत आजम, ठीक है, शरबत होता था तो उनके लिए कई बार होता है। पता है इसका मतलब ये भी होता है कि आपका अपना कोई पुराना आपसे मिलने आया है तो आप मेहमान नवाजी करके भेजो। ये तो मेहमान नवाजी करने नहीं देते, पानी पिलाना बहुत बड़ा बर्ड्स को एक वो होता है। वो पानी पी के गया, हम भी हमेशा वो रखते थे। वो कहाँ गया मैं देख रही हूँ, वही तो कहाँ गया। पानी पीने आते थे पक्षी, लेकिन ये नर पक्षी भी है ना यहाँ पे, नहीं देंगे, भगा देंगे उनको। हाँ। कोई बात नहीं, नीचे तो रख सकते हैं। Oh my God. कैसी लग रही हो? बहुत ही सुंदर। लंबी भी लगता है, कुछ इंट्रो शूट करना है। लंबी भी लग रही हो? वो तो लंबी तो हील्स की वजह से है ना, ये हील्स अभी ली थी मैंने। अच्छा लग रहा है? बहुत। मेरे मेकअप देखो कितना सटल किया, परफेक्ट है ना। इतना ही रखना चाहिए, अगर करना ही है मेकअप तो इतना ही रखना चाहिए ना। आप बताओ कैसा लग रहा है मेरा मेकअप दोस्तों? तो जी जो भी काम यहाँ का होना था वो हो गया है। अब मैं जाने लगी अपने वर्कआउट के लिए, क्योंकि मेरा वर्कआउट का टाइम भी ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो आपको जल्दी मिलती हूँ वर्कआउट पे। लेकिन इससे पहले क्या होगा बताओ पता ही आपको। मिलती हूँ आपको पहले वहाँ पे, फिर वर्कआउट पे। आओ दोस्तों, इट्स अ हैप्पी डे, इट्स अ हैप्पी हैप्पी डे। अमिताभ बंद कर लो, वो लड़की को बचाना, वो लड़की बहुत चंट है। फाइनली ये रही मेरी कॉफी। और ना मैं ना आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। पता है जब भी स्पोर्ट्स के कुछ कपड़े पहनती हूँ ना मैं, अंदर के भी और बाहर के भी, मुझे ऐसा लगता है मैंने उल्टे पहने हैं। तो इसमें उल्टा क्या है सीधा क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे को इस समय लग रहा है, जब लग रहा था कि सीधा पहना है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि कुछ उल्टा है, अंदर से भी कुछ बाहर आ रहा है, अंदर वाले में। तो मेरे को ना इन कपड़ों में समझ नहीं आता कि मेरे साथ भी होता है। मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं नहीं ये लाइन तो सीधे वाले में है, फिर पता लगता है कि उल्टा कुछ और है, फिर ये लगता है कि नहीं नहीं ये लाइन ठीक थी, जब फिर लगता है पहन लो तो लगता है नहीं ये बाहर आनी चाहिए थी। यू डोंट नो, और आगे का और पीछे का भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पहले तो टैग्स होते थे ना, इन कपड़ों में टैग्स नहीं है, तो आप पीछे की चीज आगे पहन रहे हो, और पहन के मैं घर से उतार के फिर चेंज करके आई हूं। जस्ट वांटेड टू शेयर, दैट्स इट। ये होता है तुम्हारे साथ भी? फिर पूछ रही होती कि ये उल्टा है क्या, ये सीधा है। मैं गार्डन में आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन अभी मेरी एक्सरसाइज शुरू तो हो जाएगी। वॉक कर रही हूँ लेकिन अभी तक सब दिख नहीं रहे हैं। आई थिंक आ गए हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे मुझे। आ गए हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। जी मैं अपने वर्कआउट से निकल गई हूँ, और आपको मालूम है मेरा जूता टूट गया। पहली चीज यहाँ से भी टूट गया, जूता पहना नहीं ना इतना टाइम से, तो जूता टूट गया। मेरे स्केचर्स के जूते थे, कभी सिंगापुर से लिए थे, वो टूट गए। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि मेरे जो सर हैं उन्होंने आज मुझे इतना तोड़ा है कि एक तो मैं चल नहीं पा रही हूँ, दूसरा मेरा फोकस भी उड़ चुका है, बस किसी तरह से घर तक पहुँच जाऊँ। और सर ने कल की छुट्टी दी है, मुझे लगता है उनको मालूम है कि क्या होने वाला है कल। मैंने सोचा था चुनचुन को और कैंडी को या फिर सिर्फ चेरी को लेके आज मैं गार्डन में आऊंगी, लगता नहीं है घर ही पहुँच जाऊँ, यही बहुत बड़ी बात है। वो जूता पूरा ही गया, जूता ही चला गया। मैंने अभी भी नोटिस किया दोस्तों कि पूरी व्लॉगिंग करती आई मैं गार्डन से यहाँ तक। गाड़ी में आके देखा तो मेरा जो मस्कारा था वो नीचे उतरा हुआ था, यहाँ पे कालक पुती हुई थी। तो मेरे मुंह पे भी कालक पुती है, यहाँ पे भी कालक पुती है। वो ध्यान मत देना उस चीज पे, मैंने अभी साफ करी है। वो मैंने आज किसी चीज के लिए वो रिकॉर्डिंग करनी थी, इसलिए मैंने मेकअप इतना करा था और मस्कारा लगाया था, वरना मैं लगाती नहीं हूँ मस्कारा ना। आई हेट मस्कारा, वाटर प्रूफ उतरता नहीं है, बिना वाटर के ऐसे उतर जाता है। इंसान करे तो करे क्या, जीवन इसी का नाम है, जी लो तो जी लो पर ना मत जियो। यही कालक के साथ घर पहुंच के बात करती हूँ। मैंने अविनाश को बोला है कि मुझे नीचे लेने आ जाए, मैं सामान लेके बॉटल पर्स लेके ऊपर नहीं जा पाऊंगी, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। आया नहीं मेरा पति, ये आदमी जब इसकी जरूरत होती है तब नहीं आता, तब नहीं दिखाई देता, कहीं नहीं दिख रहा। दोस्तों बोला भी था कि आ जाए नीचे, नहीं आया। यही पे पता लगता है ना कि जब आपके हाथ पैर नहीं चल रहे तो आपका आदमी क्या कर रहा है। आदमी नहीं आया, ऊपर ही आदमी, ऊपर मतलब घर पे नहीं आया। देखती हूँ आता है तो मिलवाती हूँ। मुझे लेने आ जाओ, पता नहीं कैसे तो मैं छुनछुन को तो लेके आ गया हूँ, ये भी चली जाएगी और ये कांप रही है। ऐसा कैसा वर्कआउट कर लिया उसने, किसकी हालत खराब है। अरे ये दरवाजा खोल के क्यों बैठी हो? छुनछा आई है,
हाथ नहीं उठ रहा। क्या करवा दिया ऐसा? सर ने कल छुट्टी दी है। तुम्हें तो लग रहा है 6-7 दिन की छुट्टी चाहिए। बेटा, बेबी मैंने कहा था पहले आ जाना। क्या? मैंने तुम्हें कहा था पहले आ जाना। मैं लेट हो गया क्या आने में? कुत्ता मुंह चाटता जा रहा है। चल बेटा मम्मा को लेके चलेंगे आप। अब मैं इसको उठाऊंगी, तुमको उठाऊं? पहले इसको उठाओ, फिर मेरा बैग उठाओ। क्यों लाए इसको? मेरे जूते भी टूट गए। जूते टूट गए? ऐसा क्या वर्कआउट किया है भाई? अरे जूता ही काम में नहीं आ रहा था ना। क्या काम में नहीं आ रहा था? जूता काम नहीं कर रहा था ना, इतने दिन तक सोया हुआ था। जैसे ही उसको उसमें लाई मैं वर्कआउट मोड में, जूते ने हार मान ली। उसके बाद मेरी बॉडी हार मानी। फिर सर ने कहा कल की छुट्टी। अब मेरी नेक भी नहीं घूम रही, गर्दन नहीं घूम रही। कह रहे थे डेड लिफ्ट और पता नहीं कौन सी लिफ्ट कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और मुझे ना आंख दिखा रहे थे, मैंने जितनी कहा है उतनी करनी है, मैंने कर दिया। कर दी जल्दी अभी, मेरा जूम कॉल ऊपर होल्ड पे है। जूम कॉल का क्या करूँ, पर्स पकड़ो, सच में नहीं चल पा रही हूँ। मैंने कुछ कोको की दवाइयाँ वगैरह मंगाई थी, बच्चों का सामान मंगाया था, वो आ गया। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने चीजें मंगाई हैं। एक तो ये मेरे घर मंगवाया था मैंने, ये बच्चे की कोको के लिए, सिर्फ कोको की है। मेरा बच्चा वो तो खाए ना बुढ़ापे में। ये कोको की दवाइयाँ आ गई, ये कोको की और दवाइयाँ आ गई, सेफ हार्ट ये आ गया इनका जो मैंने आपको पहले ही बताया, एनहांसर। और ये कोको का खाना, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 10 होगा। तो बिल कुछ ज्यादा आ गया है, 10,000 का बिल आ गया है। जरा भर दूं दोस्तों, फिर मिलती हूँ। तो जी अविनाश आज सुपर बिजी है, मतलब वो कॉल से हट ही नहीं रहा है। पहले जूम कॉल पे था, अब वो कॉन्फ्रेंस कॉल पे है। तो वो तो अभी आई थिंक और आधा पौना घंटा बिजी रहने वाला है। मेरे को आ रही है अब नींद, बच्चे मेरे सो चुके हैं। यहाँ पे बच्ची सो रही है, ये देखो ये भी सो रही है, यहाँ पे ये भी सो रही है। कोको के अंदर मालिश चल रही है, कोको मालिश करा रहा है। हम जाके छो जाते हैं, चल बाबा सबको एक बार गुड नाइट कहने। गुड नाइट कहेगा तेरे बाबा। तेरे बाबा अपनी फुटबॉल से बहुत खेला, ठीक है। हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना छेट एंटरटेनमेंट। आशीर्वाद है आचार्य का।